वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत अहम इजलास में सिंध पुलिस के अहलकारों की सिंध हाउस में मौजूदगी पर भी ब्रीफ किया गया। विफाकी एजेंसीज को सिंध हाउस की सरगर्मियों पर नजर रखने की हिदायत जारी की गई है। आपको बताएं कि वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत यहाँ इजलास हुआ, जिसमें सिंध पुलिस के अहलकारों की सिंध हाउस में मौजूदगी पर ब्रीफिंग दी गई। विफाकी एजेंसियों को सिंध हाउस की सरगर्मियों पर नजर रखने की हिदायत की गई है। इसी हवाले से बात करेंगे, अवैस कियानी हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस, बताएगा इस इजलास के हवाले से। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत जो इजलास हुआ है उसमें स्पेशल तौर पर जो मेंबरान असेंबली की फ्रीडम ऑफ प्रेस की तमाम तफसीलात पेश की गई हैं। तीन पुलिस के अहलकारों की सिंध हाउस में मौजूदगी पर भी ब्रीफ किया गया है। हाउस होल्डिंग की किसी सूरत की इजाजत नहीं दी जाएगी। वफाकी एजेंसियों को सिंध हाउस की सरगर्मियों पर नजर रखने की हदायत की गई है और वज़ीर-ए-आज़म का कहना है कि अवाम साथ है, अदम एतमाद को नाकाम बनाएंगे। और उसके साथ जो सबसे अहम जो चीज़ है कि इस पर स्पेशल तौर पर जो अली जैदी है उन्होंने इस जो यूनिट आई हुई है सिंध पुलिस की उसके हवाले से लेटर भी लिख दिया है सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट को कि ये जो लोग आए हुए हैं इस हवाले से जो पुलिस अफसरान हैं उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाए। उसके साथ जो सबसे अहम जो चीज़ है कि आज तर्जुमानों का इजलास भी वज़ीर आज़म ने अब से कुछ देर बाद जो है वो बुला दिया है और स्पेशली तौर पर जो सिंध हाउस इस्लामाबाद में 400 SSU सिंध के जो अहलकार की तैनाती का जो मामला है वो भी ज़ेर बहस लाया जाएगा। और जो वफाकी वजीर ने सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट को जो खत लिखा है उसमें ये SSU सिंध के जो DIG मकसूद मेमन के खिलाफ पूरी तहकीकात का जो है उसमें मुतालबा किया गया है और उस खत में ये भी लिखा गया है कि सिंध हुकूमत जो है मजमूम मकासद के लिए मुल्क के सियासी निज़ाम को सबोताज करना चाहती है। पुलिस का काम आवाम की जान माल का तहफ़ करना है। DIG SSU सिंध के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए, खासा मुतालबा किया।